बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। पूरा बिहार के लोग का ठगने का काम किए हैं, लोग समझ रहा है। राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। बजट जैसा चीज उनको कहाँ समझ में आएगा। जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए दो राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा। जब जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे तो ये पॉकेट देने से क्या होगा। बिहार गरीब राज्य है और गरीबों यहाँ ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। यहाँ पहुँची है न कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्री है। यहाँ बालू और पानी है और क्या है। यहाँ कल कारखाना लगाना चाहिए, यहाँ बिहार में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। पुल गिर रहा, पुल बन रहा, पुल गिर रहा, 200 का पुल गिर गया, कैसा ही काम हो रहा है, कौन ठेकेदार बना रहा, कब टेंडर हुआ, जर लोग नहीं पकड़ा है, पुलिस पकड़ रहा है, कब ये टेंडर हुआ, किसके समय टेंडर हुआ, कौन बनवाया। नीतीश जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, हुआ है। हाँ तो उनके लिए अच्छा है, कुर्सी बचाने के लिए अच्छा है। पूरा देश के लोग है, पूरा बिहार के लोग है ठगने का काम किए हैं, लोग समझ रहा है। पहले का पुराना पैसा है, जो पैसा नहीं देते हैं। इंदिरा आवास बनाने के लिए कटौती कर दिए, विधवा पेंशन मिलने के लिए कटौती, सब में कटौती किया। दाम क्यों नहीं घटा रहे हैं जी, महंगाई इतना है, उसको कम करना चाहिए ना। इस पर कुछ नहीं बोले और दाम बढ़ा जाता, और दाम बढ़ रहा है ना, सब रोकना चाहिए, सब मिलना चाहिए, महंगाई को हटाना चाहिए। बिहार से हम लोगों की मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए। आज जो बजट आया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें बिहार के लिए पैकेज का भरमार है। आप जिस भी क्षेत्र में देखिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन को विकसित करने के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में योजनाओं का भरमार है। तो इसलिए बिहार को आज इससे ये योजनाओं के लागू हो जाने के बाद बिहार के विकास का दर और बढ़ेगा। बिहार वैसे ही दोहरे विकास दर के साथ पिछले कई वर्षों से है और इसलिए बिहार का विशेष और बढ़ेगा, बिहार का विकास और होगा। लेकिन सर राबड़ी देवी जी कह रही कि झुंझुना थमा दिया गया। अब राबड़ी देवी जी को राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं वो, कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहाँ समझ में आएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।